بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله يستبشرون بنعمة من الله وفضل يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين آمنت بالله صدق
वेलकम बैक नाजरीन, आबाद है रमजान ट्रांसमिशन जारी सारी है और अब सेगमेंट है आसान ज़िंदगी, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद अशरफ कादरी साहब जो कि बानी और चेयरमैन हैं कादरी कुरैशी फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी रहमत शफी उम्मत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल हैं और आज मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम की शहादत का दिन है। इन्हीं से मंसूब एक वाकिया दुरूद शरीफ के हवाले से आपसे अर्ज़ करता हूँ। एक दफ़ा चंद कुफार मक्कतुल मुकर्रमा में मौजूद थे, उनके पास आकर एक साहिल ने सवाल किया कि अल्लाह के नाम पर कुछ दो। कुछ फासले पर मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम भी तशरीफ़ फरमा थे। कुफार ने कहा कि जाके उनसे मांग लो। ये साहिल मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम के पास पहुंचा और अल्लाह का वास्ता दे के कुछ तलब किया। आपने कहा अपनी मुट्ठी बंद कर लो। साहिल ने मुट्ठी बंद कर ली। आपने 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा और उसकी मुट्ठी पर फूंक दिया। कुफार ये सब देख के हंस रहे थे और कह रहे थे भला फूंक मारने से भी कुछ होता है। आप रजी अल्लाह ताला उन्होंने साहिल से कहा अब ये मुट्ठी उनके सामने जाके खोलना। साहिल गया और कुफार के सामने जाके मुट्ठी खोल दी। जब मुट्ठी खोली तो उस पर एक दरहम मौजूद था। ये दुरूद शरीफ की बरकत भी है और मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम की करामत भी है। आप रजी अल्लाह ताला अनु की बड़ी शान है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में आपकी शान बयान फरमाई। आप रजी अल्लाह ताला अनु काबतुल्ला शरीफ में पैदा हुए। जी हाँ, जो काबा है उसके अंदर आपकी विलादत हुई। आमुल फील से के वाकिए के 30 साल बाद आपकी विलादत बसादत काबतुल्ला शरीफ में हुई। आपकी वालदा फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आपका नाम हसद असद और हैदर रखा, लेकिन आपके वालिद अबू तालिब कुछ और नाम रखना चाहते थे। तो दोनों मियां बीवी में ये तय पाया कि हम सफा पे जाएंगे और जो नाम मिलेगा वो नाम हम रख लेंगे। बहरहाल अली नाम की तख्ती आई और अबू तालिब ने आपका नाम अली रखा। इससे पहले किसी का नाम अली ना था। अली नाम आपको अल्लाह ताला की तरफ से अता फरमाया गया। 3 दिन गुजर गए थे और आपने आंखें नहीं खोली थी। आपके वालिदैन को बड़ी तश्वीश हुई और आप अपने बच्चे को लेके नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और फरमाया कि 3 दिन इनकी विलादत को हो गई और इन्होंने अभी तक आंखें नहीं खोली। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब दहन उनके आंखों पे लगाया तो आपने फौरन आंखें खोल दी और चेहरा शम्सुद्दुहा की ज्यारत की। यानी काबे में पैदा हुए और आंखें खोली और गोद देखी तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का चेहरा देखा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जेरा साया बचपन से ही रहे। जब कुरैश में कहत साली हुई तो आपके वालिद अबू तालिब ने आपकी परवरिश का जिम्मा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दे दिया। इस तरह आप बचपन से ही नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की सोबत में रहे और जो आपका लकब है करम अल्लाह ताला वजहुल करीम वो इसी वजह से है कि आप शुरू से ही खुराफात से बुत परस्ती से और बुरे कामों से दूर थे। 10 साल की उम्र में आप इस्लाम लाए। बच्चों में सबसे पहले आप इस्लाम लाए और मर्दों में और बच्चों में सबसे पहले नमाज आपने पढ़ी। आप रजी अल्लाह ताला अनु के अलकाबात में से अबा तुराब ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाया था और
अबुल हसन, ये भी आपकी कुनियत और लकब था। इसके अलावा मौला अली मुश्किल कुशा, यानी मुश्किलात को दूर करने वाला, मुश्किलात को हल करने वाला, फैसले करने वाला, ये भी आपके अलकाबात थे। शम्सुल आरिफीन, ये भी आपका लकब था। आप सादात इकराम का सिलसिला, औलिया कामिलीन का सिलसिला भी आप ही से जारी व सारी हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे तो आपने सारी अमानतें आपके सुब्रत की और कहा कि ये अमानतें कल मक्का में लोगों को दे देना और फिर तुम भी आ जाना। आपकी हिम्मत देखिए कि आप उस मकान में, मकान आलीशान में थे जब नबी करीम, जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम थे और उस मकान को कुफार ने घेरा हुआ था, चारों तरफ से उस मकान को घेरा हुआ था। आप बाहिम्मत नौजवान, आप नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बिस्तर शरीफ पर आराम फरमाते बगैर किसी खौफ व खतर के कि कुफार से शायद मुकाबला हो जाए। अल्लाह ने आपको बड़ी बहादुरी दी थी, आपने वो अमानतें दी। नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन हैं और ये खिताब, ये लकब आपको मुसलमानों के साथ साथ काफिरों ने दिया था और ये अमानतें उन काफिरों की थी जो आपकी जान के दर पे थे। आपने अमानतें लुटाई क्योंकि आप सादिक अमीन हैं। आज हमें भी अपने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला वसल्लम से अगर मोहब्बत है, हमें भी सादिक अमीन के हम नबी, सादिक अमीन नबी के हम उम्मती हैं, हमें भी सादिक अमीन होना चाहिए, हमें भी अमानतदार होना चाहिए, हमें भी सच बोलना चाहिए। बहरहाल जब आप मदीनतुल मुनव्वरा पहुँचे तो भाईचारगी का मामला हुआ, मुआखात हुई, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सबको एक दूसरे का भाई बनाया। नबी मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम रोते हुए आपके पास हाजिर हुए और कहा कि मुझे किसी का भाई नहीं बनाया, तो आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कहा अली मेरा भाई है, मैं अली का भाई हूँ। लेकिन कुर्बान जाइए मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहुल करीम पर कि आपने कभी ये नहीं कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे भाई हैं। आपने हमेशा यही कहा या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह के रसूल हैं। आपकी बहादुरी और शुजात पूरे अरब में मशहूर थी, कुफार आपके नाम से डरते थे, लरसते थे, और चाहे गज़वाए बद्र हो, चाहे गज़वाए खंदक हो, चाहे गज़वाए अहद हो, आप सबसे पहले कुफार के मुकाबले में आए और 1-to-1 जो फाइट होती है, जो अरबों का एक रिवाज है, जंग शुरू होने से पहले कुछ पहलवान या बहादुर सूरमा वहाँ से आते हैं और मुसलमानों की तरफ से हमेशा पहल मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाह वजहुल करीम ने की। बदर का मैदान हो या अहद या गज़वाए खंदक, सब की सब में आपकी बहादुरी मशहूर है। बदर में तो आपने बड़े बड़े सूरमाओं का सर तन से जुदा फरमाया, जिसमें उतबा बिन रबिया और बड़े बड़े सरदार थे। बदर में आपकी तलवार इस तरह चलती थी कि गैब से आवाज़ आती थी कि अली जैसा बहादुर कोई नहीं और जुल्फिकार जैसी तलवार कोई नहीं। गज़वाए खंदक के अंदर जब एक काफिर ने यह हिम्मत करी कि उसने खंदक को क्रॉस किया, तो आप रजी अल्लाह ताला अन्होंने उसके ऊपर तलवार ऐसी मारी कि वो तलवार पूरे जिस्म को चीरती हुई घोड़े की कमर को भी चीर दिया। और अगर आपकी बहादुरी का वो वाकिया जो किला खैबर का वाकिया है, फतेह खैबर का वाकिया है, जो बड़ा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है, जब मुसलमानों से किला खैबर फतह नहीं हो रहा था, यहूदी उसमें कैद थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम ने फरमाया कि कल मैं झंडा, इस्लाम का झंडा उस शख्स के हाथ में दूंगा जिसके हाथ पर अल्लाह ने नुसरत रखी है, जिसके हाथ पर अल्लाह ने फतह रखी है। लोग मुंतज़िर थे, सहाबा इकराम मुंतज़िर थे कि कौन कल खुश नसीब होगा जिसको इस्लाम का झंडा, इस्लाम का परचम मिलेगा। जब सुबह हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने
तब साहबा मुंतजिर हैं, साहबा इंतज़ार कर रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजमईन। आज कौन खुश नसीब है जो इस्लाम का झंडा उठाएगा। इस मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अली कहाँ हैं, अली को बुलाओ। जब अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजहुल करीम को बुलाया गया तो आपकी आँखों में दर्द था, कुछ तकलीफ़ थी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपकी आँखों पर अपना लुआब दहन लगाया जिससे आपकी आँखें पहले से बेहतर हो गई, और आपने दुआ फरमाई कि अली अल्लाह तुम्हें सर्दी और गर्मी से महफूज रखे। यही वजह थी कि आप सर्दियों में सर्दियों में सर्द कपड़े यानी पतले कपड़े और गर्मियों में मोटा कपड़ा पहनते थे। इस दुआ की बरकत से आपको ना सर्दी लगती थी और ना आपको गर्मी महसूस होती थी। किला खैबर फतेह नहीं हो रहा था, आपको जब परचम इस्लाम मिला तो आप कुछ सहाबा के साथ उस किले पे चढ़े और अंदर जब कूदे तो मरहब जो एक पहलवान था जिसके मुकाबले में 1,000 लोग आते थे, उसका नाम इतना बड़ा था, आपने उसका सर तन से जुदा किया। और एक मकाम पर आपकी ढाल जो शील्ड होती है जो आपकी वार को रोकती है वो गिर गई, कहीं टूट गई, तो आपने वही किले खैबर का दरवाजे का पट उठा के फाइट करना शुरू की और फाइट करते रहे यहाँ तक कि किला खैबर फतह हो गया, यहूदियों को शिकस्त हो गई। आपने उसको अलग कर दिया, किले खैबर के उस दरवाजे को अलग कर दिया। जब बाद में लोग आए और उन्होंने उस दरवाजे को उठाना चाहा तो 40 अफराद भी उस दरवाजे को नहीं उठा सकते थे, 40 अफराद की कुव्वत उस दरवाजे को हिला नहीं सकती थी जो मौला अली मुश्किल कुशा करमल्ला वजहुल करीम ने एज ए शील्ड एज ए ढाल इस्तेमाल किया। आप शेर खुदा की ताकत का अंदाजा लगाइए, शेर खुदा अल्लाह का शेर, यह खिताब आपको अल्लाह ने दिया, अल्लाह की तरफ से आपको शेर खुदा कहा गया। आपकी बहादुरी की अगर आज बात की जाए तो शायद रात गुजर जाएगी, लेकिन आपकी बहादुरी के सिलसिले जो आपने मुसलमानों को फतवाहत दी वो ख़त्म नहीं होंगे। आप के बारे में ये आता है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अली को देखना भी इबादत है, अली की ज़ियारत भी इबादत है। मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम की ये शान थी कि एक रकाब घोड़े की जो रिकाब होती है उसके ऊपर आपका एक पांव होता था और दूसरा पांव जब दूसरी रिकाब में डालते थे तो वो एक कुरान करीम की तिलावत पूरी हो जाती थी। जब आपने और आपके ख़ानदान वालों ने आपके बच्चों ने एक दिन यतीम आया और एक दिन मिस्कीन आया और एक दिन असीर आया और आप अहले खाना के साथ रोज़े की हालत में थे, आपने पहले दिन मिस्कीन को सारा खाना दिया, दूसरे दिन यतीम को दिया और तीसरे दिन असीर को दिया, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया वो जो अल्लाह की खातिर माल देते हैं यतीम को मिस्कीन को और असीर को। ये आपकी शान बयान की है कुरान करीम ने। एक और जगह पे आपकी शान बयान हुई वो जो अपने माल की राह में खर्च करते हैं, फिर सुबह एक दफ़ा आपने 4 दिरहम इस तरह खर्च किए, एक जाहिर एक बातिन और एक खुला हुआ और एक छुपा हुआ, इस तरह आपने 4 दिरहम खर्च किए, इसका भी शान कुरान करीम में आया, इसकी भी शान कुरान करीम में आई और कहा गया वो जो अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिए पीछे एहसान ना रखें ना तकलीफ दें, उनका इनाम उनके रब के पास है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खुलफा में से चौथे खलीफा बने, खुलफाए राशिदीन में शामिल हुए और आपकी जो खिलाफत है उसका दौरानिया वो 4 बरस कुछ माह तक रहा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इल्म फरासत अता फरमाई थी। कुरान करीम की जो
तरतीब है जो कुरान करीम की इबारत को तरतीब से लिखा गया, वो भी मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम ही की शान है। मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम ने फरमाया कि सूरह फातिहा की अगर मैं तफसीर लिखूं तो उसकी तफसीर में मैं 70 ऊंट भर दूं, यानी इतनी तफसीर लिखूं कि 70 ऊंटों पर उसकी तफासीर है। अल्लाह ने आपको इतना इल्म और हिल्म अता फरमाया था। जी हाँ, अल्लाह ने आपको बड़ा हिल्म अता फरमाया था। एक दफा एक काफिर ने कुछ गुस्ताखी की, आपने उसको गिरा दिया और आप चाहते थे कि उसकी गर्दन तन से जुदा कर दूं, कि उसने आपके चेहरे अनवर पर थूक दिया। जब वो मरने लगा उसने सोचा मैं तो मर जाऊंगा, मेरी तो गर्दन ही कटने वाली है, तो उसने ये गुस्ताखी की कि चेहरे अनवर पे थूक दिया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु उसके सीने से उतर गए। काफिर बड़ा हैरान हुआ कि आप तो मुझे कत्ल कर रहे थे और मैंने आपके चेहरे पे थूक दिया, तो आपने मेरा कत्ल क्यों छोड़ दिया? आपने फरमाया पहले जो मैं कत्ल कर रहा था वो अल्लाह के लिए कर रहा था, अब जब तुमने मेरे चेहरे पे थूका तो मैं डर गया कहीं कत्ल मेरे नफ्स की वजह से नहीं हुआ। काफिर ने जब ये देखा तो मुसलमान हुआ। मुसलमानों के अजीम खलीफा की शहादत हुई 21 रमजानुल मुबारक को, और आपको अपनी शहादत का इल्म था, आपको पता था कि मुझे शहीद किया जाएगा। रमजानुल मुबारक के दिन थे, आप एक दिन रोजा इफ्तार करते, हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु का अन्हु के यहाँ, और एक दिन रोजा हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ, और एक दिन आप जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हु के, और तीन लुकमे से ज्यादा नहीं खाते। आपसे पूछा गया आप इतना कम क्यों खाते हैं, तो आपने फरमाया मुझे ये अच्छा लगता है कि जब मैं अल्लाह से मिलूं तो खाली पेट मिलूं। आपको पता था कि आपकी शहादत होने वाली है। इब्ने मलजम खारजी ने 21 रमजान सुबह फजर के वक्त जब आप नमाज फजर के लिए जा रहे थे, तलवार का एक ऐसा तेज वार किया कि जिससे आपकी गर्दन कनपटी तक कट गई, और 19 रमजान को ये आपको ये हमला आप पर हुआ, और 21 रमजान को आपने जाम शहादत नोश फरमाया। अल्लाह ताला की इन पर रहमत हो और इनके सदके हमारी मगफरत हो। इनके बारे में अगर बयान किया जाए तो शायद मैंने कहा मैं और बहुत बयान कर सकता हूँ, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा। नाज़रीन, हम आज इन्हीं के निस्बत से एक वजीफ़ा बताएंगे, और वो वजीफ़ा ये है कि जब जुमे का दिन आए तो मौला अली मुश्किल कुशा करम अल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि जुमे के दिन जो कोई सूरह कद्र की तिलावत 3 दफ़ा करेगा, अल्लाह ताला उसे उस दिन तमाम जुमा पढ़ने वालों की तादाद के बराबर सवाब अता फरमाएगा। और एक आदत करीमा भी बताते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की, और वह आदत करीमा ये है कि जब आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किसी से मुसाफा करते तो हाथ खाली होते, ना उसमें रुमाल होता ना कोई कपड़ा बीच में मस हो रहा होता। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबी अल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।